देखो गल आ कि सरकार दे तीन मंत्री आए, तिना मंत्रियों के नाल विस्थार नाल चर्चा अज हुई है, बरीकी चर्चा हुई है। ये चर्चा होने तो पहला जो उत्थे हालात बने साढ़े आगुआ दे ट्विटर अकाउंट उड़ाते, साढ़े पेजबुक फेसबुक के पेज उड़ाते, साड़ियाँ फेसबुक ही बंद करती, वो सारे ते गलबात हुई है। खास कल मैं तुहानू ये ध्यान लिया दिया कि खनौरी बार्डर के उत्ते कल जिस तरह का माहौल बनया सी, एक इंपलाई फड़िया साडे किसानां ने और साडे अंदोलनकारी नौजवानों प्रवोक करदा, वो फड़ के प्रशासन नूं फड़ाया, उहदे सबूत दित्ते ने। तां उत्थे विश्वास दवाया सरकार ने कि इहदे खिलाफ़ भी कार्रवाई करांगे असीं, बनदी कानूनी कार्रवाई, और नाल दी नाल जिहड़े तुहाडे आह पेज वगैरह बंद होए ने ये भी अज खुलवा देंगे। विस्थार नाल चर्चा होने तो बाद सरकार ने यह कहा कि ये जिहड़े मुद्दे तुसीं साडे नाल सांझे कीते, खास करके एम एस पी वगैरह, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, किसानों का कर्जा, किसानों का कर्जा, ये सारा एक चर्चा मंगदा सी जिहदे ते अज पॉजिटिव होई है। उन्हां वल्लों ये गल सामने आई है कि असी अपनी सरकार च जाके दोबारा चर्चा करांगे, वो दोबारा तुहाडे नाल असी ऐतवार का दिन मीटिंग का फिर तय करके गए ने कि दोबारा ऐतवार को तुहाडे नाल बैठ के मीटिंग करांगे। बाकी गलबात ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੋ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਹੋਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰਨਾ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਮੇ ਸਭੀ जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए लंबी चर्चा हुई, और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। अपने ऊपर एक तो उनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी एक आध दिन, उसके लिए थोड़ा डिले गए। उसके बाद वो अपने मंत्रिमंडल या सरकार के बातचीत कर फिर, क्योंकि तीन मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2+50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। और दूसरा, हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे, हमने कहा बिल्कुल उचित है, लेकिन जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो, और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, और जब हम पीसफुली वहाँ बोल रहे होते तो आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं, तो आपकी जो अर्धसैनिक फोर्स है वो हमें हमारे लोगों को भड़काती है, उस्काती है। तो इसके ऊपर जो जो वहाँ अंदर हमने पूरी जोरदार रखा, जो भी उन्होंने हमारे ऊपर जुटलाइज किए हैं अर्धसैनिक फोर्सों ने, जो भी टीयर गैस है वगैरह हम लेके गए थे अपने पास, तो ये कुछ आप कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते भी इतना बल प्रयोग। हम कौन से पाकिस्तान के लोग हैं, इस देश के रहने वाले हैं, ऐसे लगता है इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है, दोनों तरफ तारे हैं। तो लंबी चर्चा हुई, ऊपर नीचे भी गए, सब कुछ हुआ, बात करने बाहर निकले फिर अंदर गए, तो लंबी चर्चा चली है। और आशा करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में
हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से विचार विमर्श भी करेंगे। और पंजाब ने कहा भी हम ट्विटर क्वाइन या आपके पेज भी खोलेंगे। और देखिए दिन ब दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आंदोलन आगे जा रहा है और आप देखेंगे आंदोलन बढ़ता रहेगा। और आपके माध्यम से हम सब देशवासियों को, पूरी सिविल सोसाइटी को मांग करेंगे कि हमारा साथ दें, हमारे साथ आए। पूरे देश का सवाल है, अगर खेती कारपोरेटों के पास चली गई तो ये देश का भला होने वाला नहीं है। और जिस तरह से आप इतनी देर तक यहाँ खड़े रहें, आपका धन्यवाद, आप हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। और हम आशा करेंगे, एक बात और कहना चाहता भी, जो कुछ चैनलों में हमारे खिलाफ़ जैसे प्रचार प्रोपोगंडा चल रहा है, तो जिस तरह से हमारी तस्वीर बिगाड़ के पेश की जा रही है वो सबको नहीं करनी चाहिए। असल तथ्यों को पुष्टि करके बात ही करनी चाहिए। सवाल एक एक करके लो। वेखो जदों गलबात चल रही आ ओदे विच ओ मुक्कण तो पहलो रिजल्ट कढ़ना मैनू नहीं लगता ठीक हैगा वा। असीं अज वाला ही दस देने आ। नवा ए आ ਵੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 'ਤੇ ਸੀ ਟੂ ਪਲੱਸ 50% 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਰੱਜ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਨਾ।